हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नेवी बॉय में। दोस्तों आज हम आ चुके हैं पटना में, और वो भी एलो फीवर के लिए। तो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि एलो फीवर कहाँ पे लगता है इसमें, और ये है एम्स पटना। ये पटना एम्स है। हम सुबह में उतरे हैं पटना स्टेशन पे और डायरेक्ट वहाँ से बुक किए हैं अपन रिक्शा, और यहाँ पे एम्स पे आए हैं। एम्स पे आने के बाद इधर से डायरेक्ट गेट है, और ये सभी मेरे साथ में ही है। मेरा दोस्त है विपुल वैभव, और ये यशवंत सिंह छपरा से। तो हम लोगों का अभी वैक्सीनेशन होने वाला है, 11 बजे का टाइमिंग है। तो सोचें आप लोगों को भी एक वीडियो बना के और छोटी सी जानकारी दे दें कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले आने के बाद यहाँ पे नंबर लगता है। नंबर में लगभग 1-1.5 घंटे हम लोग खड़े हुए थे, सभी लोग नंबर में लगे हुए थे। उसके बाद नंबर आया तो पर्ची मिला। पर्ची मिलने के बाद 300 रुपये का हम लोगों का फाइल बना, 300 रुपये का पर्चा बना। 300 रुपये का पर्चा बनने के बाद हम लोगों को बुलाया गया ऑफिस में। ऑफिस में जाने के बाद हम लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट था वेरीफाई हुआ। उसके बाद 11 बजे का टाइमिंग मिला है, 11 बजे में हम लोग को वैक्सीनेशन होगा। उसके बाद 12 बजे हम लोग घर जा सकते हैं। तो यदि आप लोग भी चाहते हैं अपना वैक्सीन लगवाना एलो फीवर का, तो आप पटना में ज़रूर एम्स में आइएगा, क्योंकि यहाँ पे सोमवार से लेकर और शुक्रवार तक आप कभी भी यहाँ पे आके सुबह में और लगवा सकते हैं। यहाँ बुकिंग वुकिंग का कोई वो नहीं है, आप ऑफलाइन भी करवा सकते हैं डायरेक्ट आके। और यहाँ पे अभी सेल्फी चल रहा है धीरे धीरे। बोलो भाई। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आप लोगों को हाय बोलूँगा, उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि येलो फीवर लेने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा। पूरा प्रोसेस अच्छे से आप लोग सुन लीजिए। आपको अगर येलो फीवर का वैक्सीनेशन कराना है, तो सबसे पहले आपको सुबह मॉर्निंग में 8 बजे तक हर हाल में यहाँ पहुँच जाना होगा। OPD आपको सामने दिख रहा है, शीशा वाला बिल्डिंग, उसी में आना होगा, इधर उधर नहीं जाना है। और काउंटर नंबर 6 पर आपको खड़े हो जाना है, लाइन लगा लेना है। डेली मिनिमम 40 और मैक्सिमम 80 ही इंजेक्शन लगते हैं। और 40 से 80 इंजेक्शन, हाँ, मतलब एक दिन का कोटा है। हाँ, और ये आपको ये बता दूं मैं, सोमवार से शुक्रवार तक ही लगता है डेली। और सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे कि यहाँ पे ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन आपका हो जाएगा पूरा काम। और वहाँ पर आप पासपोर्ट और एक कोई भी पेज में नंबर अपना नाम लिखकर काउंटर पर देंगे, तो आपको एक बुकलेट मिल जाएगा, और 30 रुपये वहाँ पर आपको जमा करा लिए जाएंगे। उसके बाद आप काउंटर नंबर 18 या 20 में जाइए, वहाँ से आपको एक फॉर्म रिसिप्ट मिल जाएगा, वहाँ 300 रुपये आपको जमा करना होगा। उसके बाद आप ग्राउंड फ्लोर पर ही आप जाइएगा, तो वहाँ राइट साइड में, जैसे ही मेन गेट से एंट्री कीजिएगा, तो राइट साइड में ही आपको येलो फीवर का बड़ा सा बोर्ड दिखेगा, वहीं आपको जाकर वेट करना है 10 मिनट 15 मिनट, या फिर 9 बजे तक वेरीफाई होने तक। 9 बजे आपको फिर वहाँ से बुलाया जाएगा, आप एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद मैम है, कॉल करेंगी आपके आपको आपके नाम को बुलाकर, आप वहाँ फॉर्म जमा कीजिए। उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा 11 बजे आपको इंजेक्शन लगेगा, 12 से 1 के बीच में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, दैट्स ओवर। चलिए, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद भाई का, इतना जानकारी दिया। तो आप लोग जब भी आना हो, तो पटना उतरने के बाद डायरेक्ट आपको यही बोलिएगा कि हमें एम्स जाना है, पटना एम्स जाना है। पटना एम्स आने के बाद आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल ही गया है, और आने के बाद सब कुछ हो ही जाएगा। नहीं होगा तो यहाँ पे बहुत लोग होते हैं हेल्प करने के लिए, आप पूछ सकते हैं किसी से भी। तो मिलते हैं इसी के साथ दूसरी वीडियो में नए जानकारी के साथ। बाय बाय।